प्रशासन ने कोशिश की है तीर्थाटन के सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत तथा मानव कल्याण के कार्य को गौरवमय तरीके से पूरा करने में ईमानदारी से कोशिश लोगों ने की है। आज चंद्रकोट यात्री निवास का उद्घाटन उन्हीं प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कोशिश की गई है कि वहां विश्राम करने वाले श्रद्धालु एक अच्छे वातावरण में आध्यात्म की उस प्राण चेतना को अवश्य महसूस कर सके, इसका प्रयत्न हुआ है। इस अवसर पर मेरे मन में उन हजारों परिवारों का भी ख्याल है जिनके पूरे साल की कमाई इस यात्रा पर निर्भर है। पिछले दो सालों में यात्रा न होने की वजह से उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अगर मैं सुविधाओं और यात्रियों के लिए सहूलियत का जिक्र करूं तो जम्मू पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डे पर कैंप बनाए गए हैं, जो यात्रा पर्ची तथा पहचान पत्र के आधार पर RFID टैग जारी करने का भी निर्णय किया गया है। अलग अलग स्थानों पर यात्रियों के लिए ट्रेन भी हैं, जिसकी जानकारी बुकिंग के समय तथा बल्क मैसेज के जरिए दी जा रही है। लखनपुर से लेकर जम्मू रूट तक होल्डिंग ड्यूटी ऑफिसर के जरिए भी उन्हें बताने की कोशिश हो रही है। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर की समृद्धि का एक बड़ा स्रोत है अमरनाथ यात्रा। देश भर में जम्मू कश्मीर के बारे में जो धारणा बनेगी, कोने कोने से श्रद्धालु आएंगे, जैसा अनुभव लेकर के जाएंगे, वैसी ही धारणा पूरे देश में जम्मू कश्मीर के विषय में बन पाएगी। इसलिए मेरा सबसे निवेदन इसके इस पक्ष को, इस प्रबल पक्ष को हमें बराबर ध्यान रखने की जरूरत है।